मामा जुत्ती वाई दी पैर नहीं वाई दे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। तो अभी मेरी दूसरी वीडियो अभी मैंने खत्म की है और ये मैं दूसरी वीडियो है ये वो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो अभी बज चुके हैं 8 और मैं अभी दूसरी वीडियो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। तो अभी मैं पीछे अपना जो पहला ब्लॉग है वो अपलोड क्यों लगाया तो उसे पता नहीं क्या हो गया, 8-10 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो एक जगह स्टक हो गया। तो अभी देखते हैं, जब मैंने लगा रहने देना है, जब तक हो जाएगा तो ठीक है। तो अभी बैठे बैठे सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है तो इस जैकेट में सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ जैकेट चेंज कर लूँ अगर तो सर्दी ना रुकी तो। अभी मैं जाने लगा हूँ नीचे तो खाने का टाइम हो गया तो आज देखते हैं खाने में क्या पका है। दोपहर तो पके थे आलू का शोरबा था तो आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा। वैसे एक बात मैंने आपसे पूछनी थी कि जो स्कर्दू का रीमेक मैंने बनाया है क्या मैं डालूं या ना डालूं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा डालूं रीमेक तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई उसका रीमेक देखना चाहते हैं तो मैं फिर डाल दूंगा। वैसे मैं सोच रहा हूं कि ना ही डालूं, वैसे डाल देता हूँ। वैसे मेहनत की है मैंने रात सारी जाके तो मैं डाल दूंगा इंशाल्लाह। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि पता चले कि आप भी देखना चाहते हैं। वैसे तो मैंने डाल देना है अगर आप ना भी देखे हो। अभी रोटी तो पकने वाली है तो पेड़ वगैरह करके रख दिए और यहाँ पे आज पक्का मजेदार रोस्ट है तो बड़ा मजेदार बना है। साथ में रखा आलू भी है उबले तो मजा आएगा। फ्राइड आलू है, फ्राइड तो मजा आएगा खाने। अभी आज रोटियां मैं पकाने लगा हूँ तो अमीन से थोड़ा सा बिजी है तो रोटी मैं पका रहा हूँ अभी करा यहाँ पे। तो आज रोटी खाने का वैसे मजा आएगा, आज मजेदार जो है चीज बनी है आपने देख तो लिया है कि रोस्ट बना हुआ है। तो हमारी जो ओवन है ना ये वाला तो इसका भी थोड़ा सा मसला बन गया है तो इसके अंदर जंग लग गया है। तो पहले हमने पेंट किया था तो जंग उतारने के लिए तो वो पेंट भी उतर गया तो दोबारा जंग लग गया है। तो ये गर्म तो हो गया है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवन में हुआ क्या है। पहले मैं इसे बाहर निकाल लूँ। ये प्लेट है, इसके नीचे ये देखें कितना ज्यादा जंग लगा हुआ। तो ये सारा जंग लगा है। तो आज फिर हम आ गए हैं पार्क। तो आज फिर लाइट जो है वो ऑन है तो अपनी में जो चार्जिंग वाली लाइट है वो चार्ज करके लेके आए। तो सैफ भाई को भी दौड़ा पड़ा हुआ एक्सरसाइज करने का तो वो रोजाना आ जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। अब मुझे भी एक्सरसाइज करवाइए तो मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है अभी। यहाँ पे कुछ नजर तो नहीं है वैसे आ रहा उधर है तो अभी झूले ले के देखते हैं ट्राई करते हैं। तो वैसे नजर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मेरी आंखों पे लाइट पड़ रही है। झूले अभी लेते हैं, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। मजा आता है काफी ज्यादा झूले लेने का। तो सर्दी काफी ज्यादा है वैसे, पता नहीं ये लाइट्स क्यों बंद कर देते हैं रोजाना। तो ये लाइट जल्दी रहा की हंसी क्यों जा रहा है। अभी मैं आ गया हूँ घर तो पार्क में ज्यादा ब्लॉग कर नहीं सका तो वैसे भी वहां में देरा काफी ज्यादा था तो फिर हम घर आ गए। तो अभी मैं कर रहा हूँ जो स्कर्दू का मैंने रीमेक तैयार किया ना उसके लिए थंब नेल्स है तो वो मैं एडिट कर रहा हूँ। पता नहीं आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये इंशाल्लाह ये रीमेक लग के रहेगा तो थंब नेल जो है मैं पहले जो थंब नेल बनाए थे उनसे डिफरेंट होंगे तो ये भी अच्छे थंब नेल बनेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीमेक पसंद आएगा तो मैं रीमेक ही आपसे इस तरह से कि प्रमोशन कर रहा हूँ अपने इस ब्लॉग में तो इसलिए आपने ये रीमेक भी देखने एक मरतबा ट्राई करना है कि कैसे लगते हैं आपको तो नीचे कमेंट करके बताने भी हैं। तो अभी मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से दिन मैं डालूंगा रीमेक। तो अभी मैं व्लॉग वगैरह एडिट कर लूं, व्लॉग एरिया ये थंबनेल जो थंबनेल है वो दोनों पार्ट्स के मैंने कर लिए एडिट तो दोनों पार्ट के थंबनेल तो तैयार हो गए लेकिन जो रीमेक पार्ट वन है वो तैयार हो गया अभी अपलोड नहीं किया और जो रीमेक पार्ट टू है वो अभी मैंने तैयार करना है तो वो अभी मैं तैयार करूंगा फिर मैं जाके इंशाल्लाह सो जाऊंगा। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इसे आज के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाहर तो पता नहीं निकालनी है कि मैंने नहीं निकालनी, एक मतलब ये स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि कल मैंने स्टार्ट की थी तो आज दोबारा करके देखते हैं होती है कि नहीं होती। फाइनली अभी स्टार्ट हो गई है 2-3 स्लप लेने के बाद। अभी इसे थोड़ा सा वार्म अप हो गए तो इसी तरह ही छोड़ देंगे चलते हुए। अभी
से 5-10 मिनट के लिए इसी तरह आइडलिंग में खड़ा रहने देते हैं ताकि इसकी जो बैटरी है वो भी थोड़ी सी चार्ज हो और ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाती है फिर से स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी दो तरफ लेने के बाद ये स्टार्ट हुई है, तो फाइनली स्टार्ट हो गई है, घर खड़े खड़े आज तक का नहीं दिखाना पड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि रोजाना इसे इसी तरह 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं ताकि फिर धक्का लगाने की नौबत ना आए। तो वैसे पेट्रोल तो लगता है इस तरह खड़े खड़े में, लेकिन कोई नहीं, आज देखते हैं। मौसम भी आज ठंडा है तो पता नहीं आज इसे बाहर निकालता हूँ मैं कि नहीं निकालता, इसलिए मैंने इसे वार्म अप पे लगा दिया है। अगर निकालनी भी पड़े तो स्टार्ट हो जाए, नहीं भी निकालनी तो फिर भी स्टार्ट ही है। तो वैसे अभी तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं और ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, हवा भी चल रही है तेज तो नहीं, वैसे हवा चल रही है तो बहुत ज्यादा ठंडा। तो मैंने सोचा था कि आज बाइक राइड पे जाऊंगा तो आप मोटो ब्लॉग के साथ सारी सेटअप के साथ, तो बाहर जाने का अभी दिल ही नहीं कर रहा था। अभी मैंने दरवाजा भी खोला हुआ है तो बहुत ठंडी ठंडी हवा बाइक से आ रही है, और आज वैसे भी मैंने वो नीचे जर्सी थी वो पहनी नहीं तो जिसकी वजह से ज्यादा ठंड आज लग रही है। तो मेरे ख्याल से ये ब्लॉग इतना ही काफी है। तो अगर आपको आज वाला ब्लॉग अच्छा लगा है, क्योंकि आज वैसे करने को काम है कुछ नहीं था, सारा दिन जो इसी तरह गुजर गया है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वो ब्लॉग इसी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक इतना ही, अल्लाह।